अब हम पढ़ेंगे हरित क्रांति के बारे में और हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को जानेंगे, जो कि सेकंड बुक की थर्ड चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति का एक टॉपिक है। जब 1960 के दशक में खाद्यान्न संकट भारत के अंदर आ गया था, जब बिहार की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वहाँ वस्तु की कीमतें बहुत बढ़ गई थी क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ रहा था। बिहार की वस्तु की कीमतें पंजाब से भी दोगुनी हो चुकी थी, जो कि हमने खाद्यान्न संकट के एक टॉपिक में पढ़ा है। अब हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे कि खाद्यान्न संकट में हरित क्रांति ने क्या क्या अपना अपना रोल निभाया। खाद्यान्न संकट की इस हालत में देश पर भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका के। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले में पिछड़े हुए थे, शुरू शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई थी। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी और जहाँ के किसान समृद्ध थे, यानी कि थोड़े बहुत धनी थे। इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई कि जो पहले से ही सक्षम हैं, वे कम समय में उत्पादन को तेज़ रफ्तार से बढ़ाने के में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, यानी कि HYV, जिसकी फुल फॉर्म है हाइपर यील्ड वेराइटीज़, के बीजों को उपलब्ध करवाया। उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े कम मूल्य पर उपलब्ध करवाना शुरू कर दी, जिससे उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेतीयर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ। ज़्यादातर गेहूं की पैदावार बढ़ने लग गई और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में भी बढ़ोतरी हो गई। इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग-अलग इलाकों के लिए ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, यानी कि अभी वो कृषि के लिहाज से विकसित हो रहे थे, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़े रहे। इसमें ये देखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा भारत के उत्तरी हिस्से को ही हुआ था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि। जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ रहे थे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर उठा, यानी कि अब ये समस्या सामने आई कि किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर दिखाई देने लग गया था। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई। इसमें जो वामपंथी का जो आपने पॉइंट, ये वर्ड बोला है मैंने, इसका टॉपिक आप मेरी ही किसी ऑडियो में देख सकते हैं, जिसका टॉपिक का नाम है वामपंथी दल और दक्षिणी पंथी दल। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसानों, यानी मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। इन्हें बदलावों से फायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे।
यानी कि इस क्रांति में मध्यम श्रेणी यानी मिडिल क्लास के किसान भी उभर कर सामने आने लग गए। इसका फायदा सबसे ज़्यादा धनी किसानों और मध्यम वर्गीय के किसानों को ही हुआ, इसमें गरीब किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ। और सिर्फ उत्तरी भारत को छोड़कर किसी भी राज्यों को फायदा, हरित क्रांति का फायदा नहीं हो पाया।